ओम साई राम व्यूअर्स, मैं सुनीता भादुरी साई की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पिज्जा पॉकेट बनाएंगे और ये हम एकदम बहुत आराम से बहुत ही आसानी से बनाएंगे। बच्चों के फेवरेट है और हमारी भी, आप इसे ज़रूर बनाइए। आइए देखते हैं कि इसे बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे और क्या कैसे बनेगा ये। पॉकेट पिज्जा की रेसिपी के लिए हम ये हाफ कप छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च लिए हैं, बीज इसका हटा दिए थे। एक गाजर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, बच्चे तीखा कम खाते हैं। एक हरी मिर्च छोटा छोटा काट करके उसको भी ले लिया है। पनीर के कुछ टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले नमक ऐड करेंगे, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, ये गरम मसाला हमारा घर का बना हुआ है, जीरा पाउडर, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें एक प्याज भी डाल सकते हैं और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। एक चौथाई कप से हाफ कप सॉस लिए हैं, इसको हम इसमें डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा, आप एक चौथाई टीस्पून से भी कम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच बटर मेयोनीज ऐड करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप नमक डालते समय थोड़ा ध्यान से नमक डालें, क्योंकि सॉस में भी थोड़ा नमक रहता है, मेयोनीज में भी नमक रहता है, इसलिए हम एक चौथाई चम्मच ही नमक ऐड किए थे। पॉकेट पिज्जा के किनारों को बाइंड करने के लिए ये हम आधा एक चम्मच मैदा लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा एकदम नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा पानी डाल करके तैयार कर लेंगे। बहुत पतला नहीं रहना चाहिए। पहले हम ब्रेड के किनारों को कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा हार्ड होता है। इसी तरह से सारे ब्रेड के किनारों को हम निकाल लेंगे। ब्रेड के सारे किनारों को कट कर लिए हैं और हम इसको ऐसे ही थोड़ा बेल लेंगे, ताकि जो ब्रेड है वो पतला हो जाएगा तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। इस पर हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, ना पानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही इसको बेल लेंगे। अब हम इस पर मेयोनीज स्प्रेड करेंगे, किनारों पे ना लगे ऐसे लगाएंगे संभाल करके। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला आइटम है ये, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे, फिलिंग ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम मोज़रेला स्प्रेड करेंगे। चीज़ आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। किनारों पर जो मैदे का घोल हम तैयार किए थे वो लगाएंगे।
और इसको फिर इस तरह से फोल्ड करके चारों किनारों को दो उंगली की सहायता से ऐसे अटैच कर देंगे। इस तरह से हम दूसरा वाला भी तैयार कर लेंगे, बाकी के सारे बचे हुए ब्रेड को भी तैयार कर लेंगे। सारे चीज़ें पसंद अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे एक एक करके बनाने से निकाल लेंगे। एक बार का पिज्जा पकड़ छानने में हमें 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, इसी तरह से हम सारे पिज्जा पकड़ को छान लेंगे। हमारे सारे पिज्जा पॉकेट तल कर तैयार हो गए हैं और खाने के लिए बिल्कुल सर्व हैं, और आप इसे बनाइए और खाइए और अपने एक्सपीरियंस जो है वो हमारे उस पर शेयर करिए। देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, देखिए, और इसके अंदर का जो चीज़ मेल्ट हो जाता है और वो खाने में इतना टेस्टी लगता है कि कुछ कहने का नहीं। आप इसे ज़रूर बनाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओम साईं।